हमने दवाई स्प्रे कर दी थी पहले, तो ये बस 2-3 दिन हुआ इसमें कंट्रोल आ गया है, इसमें अभी ज़्यादा नहीं दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवजी परमार और मेरी चैनल ग्रीन गुजरात फार्मिंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मेरे दोस्त है, उनके फार्म पर मैं अभी आया था, तो उन्होंने बताया कि जो एक पेड़ है छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट, वो बोल रहे थे कि उसमें फ्रूट बिगड़ना भी शुरू हो गया है। तो मैंने नज़दीक से देखा तो पता चला कि इसमें जो एक बीमारी आती है जिसको रोग बोल सकते हैं, ये है स्पाइडर माइट। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा हरे रंग का इसके फ्रूट के चारों तरफ हो जाता है, और जो मकड़ी के जैसे जाले होते हैं उसी टाइप का, ये देखिए जो मकड़ी जैसे जाले बुनती है उसी तरह के इसमें जाले दिखते हैं, और उसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जीवात। तो ये स्पाइडर माइट है, और ये खास करके जब गर्मी बहुत पड़ती है तो उस टाइम पे ये ज़्यादा फैलती है, और अगर एक पेड़ में है, मतलब एक बेंचेस में है पूरे में, तो वो फिर धीरे धीरे पूरे पेड़ में या तो फिर अन्य दूसरे पेड़ में भी ये जाती है। बहुत इसकी जो बढ़ने की तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इसकी स्पीड। तो अगर आपके फार्म पे भी ऐसा अगर आपको दिखे, ये देखिए फ्रूट बहुत सारे एकदम जो फ्रूट है वो जैसे मतलब ख़राब ही कर दिए पूरा इसका शाइनिंग। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम का अगर फेस करना पड़े, तो आप इसके मतलब ऐसा अगर आपको दिखे शंका कि ऐसा ये स्पाइडर माइट इसे कहते हैं, तो इसकी दवाई मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ये इस वीडियो के मैं आपको दे दूँगा। तो इसकी 2-3 प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि ये कंट्रोल आ जाए। वरना ये देखिए पूरा जो हमारा फ्रूट है, मतलब एक भी इसने ये बंचेस में एक भी फ्रूट अच्छा नहीं छोड़ा है, जो सारे फ्रूट है ये देखिए ये पूरा मतलब खाने लायक या तो सेल करने लायक भी नहीं बचा है, पूरा फ्रूट जो है हमारा ख़राब हो गया। और वही पूरा बंचेस जो है फ्रूट का गुच्छा वो भी पूरा ख़राब हो गया है। तो देखिए इसमें एक वाइट कलर की एक ये स्पाइडर माइट आती है, और एक ये थोड़ा रेड टाइप दिखती है। यहाँ से आप अच्छे से देखेंगे तो यह देखिए फ्रूट में जो है वो रेड कलर का ऊपर जैसे एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। तो ये स्पाइडर माइट दो प्रकार की आती है, बट दोनों में ही सेम ही हम लोग दवा यूज़ करेंगे तो इसका जो है कंट्रोल हो जाएगा। और एक दिक्कत यह है कि इस टाइम अगर आप जो दवाई है वो स्प्रे करेंगे तो ये एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि भई अभी फ्रूट हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ जाता है, तो उसके बाद अगर हम लोग दवाई स्प्रे करते हैं तो फिर वो सेल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट ऐसा नहीं, आप हल्का सा इसको स्प्रे कर दीजिए, फिर उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम वैसे भी ये डस्ट थोड़ा होता है, तो हम लोग इसको पानी वाला कपड़ा मार के फिर हम लोग कटिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं इसका, ठीक है। तो उस टाइम आप इसको थोड़ा साफ़ करके फिर सेल कर सकते हैं अच्छे से, ताकि जो दवाई होती है केमिकल्स उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो पूरा हट जाएगा। देखिए इस बंचेस में हमने दवाई स्प्रे कर दी थी पहले, तो ये बस 2-3 दिन हुआ इसमें कंट्रोल आ गया है, इसमें अभी ज़्यादा नहीं दिख रही है। जो उसके मकड़ी के टाइप के जो झाले होते हैं वो फिर अपन जब दवाई स्प्रे करते हैं तो उसके बाद वो साफ़ हो जाता है, और थोड़ी बारिश हुई तो उसकी वजह से भी ये देखिए फ्रूट है जो थोड़े कम ख़राब दिख रहे हैं। तो अगर ऐसे स्पाइडर माइट्स अगर ज़्यादा तादाद में है कोई भी पेड़ में या फ्रूट में, अगर बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको इमरजेंसी में उसको काट के अपने प्लॉट के किसी भी साइड में उसको गड्ढा करके फिर गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यह इसकी जो बढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके प्लॉट में आपके फार्म पे ये ऐसा दिखे स्पाइडर माइट, तो फिर उसको बहुत जल्दी से जल्दी उसका नष्ट कीजिए, दवाई स्प्रे कीजिए, या तो फिर उसको निकाल के आप बाहर कर सकते हो अपने फार्म से।